बच्चे लोग, तुमने अभी बहुत कुछ देखा, दो वीडियो क्लिप्स देखी और एक वीडियो क्लिप यहाँ पे चल, पार्टिकल फेंका गया, ठीक, तो चलो देखे क्या लिखा है। एक कंसिडर करो एक पार्टिकल को, उसको यू स्पीड से फेंका गया, मेकिंग एंगल थीटा विद दैट। ग्राफिक्स में ये बात बिल्कुल क्लियर, अगर यू आपकी इनिशियल स्पीड है तो उसको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, ये जो एक्स डिस्टेंस है ये बढ़ता चला जाएगा और पार्टिकल जो है वो दूसरे सिरे तक पहुंचे। एक बात और ध्यान दो कि यहां पर पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो जमीन से लगातार बढ़ता चला जाएगा और फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। खैर, इस पूरे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और वाई एक्सिस में भी चल रहा है। आगे देखो कि क्या है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चल रहा है। क्लिपिंग्स को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है आप हो सकता है वीडियो पॉज करके पीछे भी देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, जो वाई कॉम्पोनेंट है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है और एक्स कॉम्पोनेंट में वही चेंज नजर आ रहा है। एक्स में कोई चेंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक्स बिल्कुल कांस्टेंट है। आगे देखते हैं, क्योंकि इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक्स और वाई दोनों में काम होता है, ठीक है। चलो और आगे देखा जाए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या ली जा सकती, तो एक्स में अलग है वाई में अलग है। एक्स में आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा और वाई में हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। तो कुल मिला के यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप, जहां पर यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होगी और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। ध्यान में रखा जाए कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस वाली जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस वाली स्पीड में लगातार बदलाव आता जाएगा। इसको एक और डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है कि मान लीजिए इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 5 cos 60 है, यहाँ पे देखिए यू साइन 60 लिखा हुआ है। हम इस वाले बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल, यहाँ पर एंगल ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी कहिए ये एक्स में जो 5 cos 60 है वो आखिरी में वही 5 cos 60। बेसिक इंटेंशन मेरा ये है बताने का कि यहाँ पर एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, एंगल कुछ भी बनाए, एंगल कुछ भी बनाए, एक्स कॉम्पोनेंट की जो स्पीड है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है।